देश भर में नए साल का जश्न हर्षोल्लास से मनाया गया। साल 2023 के समापन की अंतिम रात 12 बजे तक लोग नाचते गाते झूमते नजर आए। अजमेर के अलग अलग रिजॉर्ट और होटल पर न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। नए साल का जश्न पुष्कर में भी देखने को मिला, जहां अलग अलग रिजॉर्ट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और साल के आगाज में गवाह बने। बीते साल के अंतिम दिन रविवार को बीते रात तक शहर में जश्न का माहौल रहा। लोगों ने कई जगह आतिशबाजी भी की। होटल रेस्टोरेंट से लेकर सड़कों पर लोग का जोश और जुनून उल्लास नजर आया। शाम ढलने के साथ ही पार्टी शुरू हो गई। सभी छोटे बड़े रेस्टोरेंट में खास सजावट भी देखने को मिली, जहां आम और खास सभी शामिल हुए। खरेकड़ी और पुष्कर रोड के बीच रिजॉर्ट में पंजाबी पॉप सिंगर अमर सिंधु मोर सपेरा ने अपनी खास प्रस्तुतियां पेश की, जिन्हें सुनकर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। हमेशा की तरह मानसिन कुछ ना कुछ हमेशा न्यू ईयर पर नया प्रोग्राम करता है। ये मर्दी ग्रास थीम है जिस पे इस बार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस है, जिसका मीनिंग ये होता है कि एक भीड़ को इकट्ठा करना। तो अजमेर के लोग में इतना उत्साह होता है कि हमने ये सोचा कि ये पर्व 31st को मनाया जाए। ऐसे तो ये जो सेलिब्रेशन होता है ट्यूसडे को होता है, लेकिन इनफैक्ट ये संडे है, तो संडे के दिन हम लोग ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और इस वर्ष जाने वाला साल भी बहुत अच्छा था, आने वाला साल जो है श्री राम का है, तो हम ये मानते हैं कि श्री राम सबको, अजमेर वासियों को और पूरे हिंदुस्तान को एक सफल और एक नया मार्गदर्शन देंगे। बेस्ट टीम क्या था, थीम क्या रखा गया? थीम मार्दी ग्रास थीम है, जिसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ। ये फ्रांस से ओरिजिनेटेड है और इसको अजमेर में इस बार प्रवाहित किया गया। आपका नाम? प्रभात रंजन सिंह, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मानसिंह ग्रुप ऑफ होटल्स।